हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और ये मायके का ही ब्लॉग है। तो सब बच्चों ने मिलकर मतलब छोटा सा पार्टी किया था हम सब ने मिलकर। तो बच्चों के लिए मंगाई है पेटी, तो बच्चे इंतज़ार में बैठे थे मेरी और मैं थोड़ा बाहर चले गई थी सामने वाले घर में, तो वहाँ से थोड़ा लेट हो गया मुझे। लेकिन बच्चों ने जब तक मैं आई नहीं वहाँ से खाया नहीं कुछ भी, ऐसे ही सब कुछ रखा था। फिर मैंने आके सबको निकाल के दिया और ये हो गया मॉर्निंग का टाइम। और मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ आज खोआ, क्योंकि आज मुझे जाना है ससुराल। तो यहाँ पर चूल्हे पर बना लेती हूँ क्योंकि चूल्हे पर जल्दी भी बन जाता है। और बाबू भी बैठा है मेरे पास, वो भी फ़ोन देखने में लगा हुआ, एकदम परेशान कर देता है। अगर उसको फ़ोन ना दो तो एकदम आग के पास आ जाता है, तो इस वजह से मैंने उसको फ़ोन दे दिया ताकि कुछ देर के लिए शांत बैठ जाए। तो इधर मेरे मायके में सारे काम लगभग चूल्हे पर ही होते हैं, खाना भी चूल्हे पर ही बनता है। तो इधर मम्मी ने सुबह बनाया था थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा बहुत रह गया तो फिर मैं बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी ना गाय के लिए चारा लेने के लिए चली गई। तो मम्मी गई हैं चारा लेने के लिए और भाभी अपना लग रही हैं झाड़ू पोछा में, तो मैंने थोड़ा बहुत मैंने हेल्प कर दिया मम्मी का, नहीं तो मम्मी ही बना रही थी सुबह। फिर उसके बाद मैं बैठ गई और इधर बाबू भी बैठा हुआ है फ़ोन देखने में और नमन लग रहा है वीडियो बनाने में। वो आज पता नहीं उसका क्या मन हो गया, बोला था मम्मा आज मैं आपका बनाऊंगा। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है खोआ बनाने में, और चूल्हे पर फिर जल्दी भी बनता है क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लगता है। तो इधर सबसे पहले मैं ये खोआ ही बनाने लग गई, क्योंकि अभी भाभी है ना जो झाड़ू पोछा कर रही है, तब तक ये भी बन जाएगा, फिर उन लोगों को खाना भी बनाना है। और एकदम आजकल बारिश का मौसम भी हो रहा है, आ जाता है बारिश चला जाता है बारिश, तो मुझे कतरी बनाना है। तो यहाँ पर नहीं बनाऊँगी कतरी, तो मैं ससुराल ही बनाऊँगी। यहाँ से बस ये खोहा ही बना के ले जाती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है इसमें भी। फिर उसको चाशनी में मैं कतरी बनाऊँगी, फिर उसमें भी टाइम लग जाता है खोए वाली। तो मैंने सोचा चलो वहाँ पर जाके बना लूँगी ससुराल में, अभी यहाँ से ये बना के ले जाती हूँ। तो मम्मी भैंसें रखती हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ से जैसे मम्मी की भैंसें दूध देती हैं ना, तो मैं यहाँ से ऐसी चीज़ें बना के ले जाती हूँ और मम्मी घी वगैरह भी मुझे दे देती हैं। और मेरा मन होता है जैसे कभी कभी बना ले जाती हूँ, कभी कभी नहीं बना के लेके जाती। और ये चूल्हा है ना इस पर जल्दी भी बन जाता है, तो इस वजह से मैंने इस पर ही बनाने बैठ गई सुबह सुबह जल्दी। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दी, बाबू को सुलाती नहीं तो वो मुझे पैकिंग नहीं करने देता, इस वजह से मैंने उसको पैकिंग करने से पहले ही सुला दिया, क्योंकि उसको यही लगता कहीं जाने की तैयारी हो रही है। और ऊपर से नमन भी यही बोलता रहता है कि हम कब जाएंगे घर, पापा जी के पास कब जाएंगे। तो दोनों बच्चे सो गए हैं और भतीजे और भतीजी मेरी सभी पढ़ने गए हैं, वो तो अभी थोड़ा लेट आएंगे, तब तक कर लूँगी मैं अपनी पैकिंग। तो इधर जो कपड़े मेरे बैग में पहले से ही रखे थे, ज़्यादा कपड़े मैंने निकाले नहीं थे, जो ज़रूरत था बच्चों के कपड़ों का बस वही निकाले। राखी वाले दिन आई थी यहाँ पर तो एक हफ्ता में रह ली, फिर मंडे को मतलब जन्माष्टमी था तो मैंने सोचा जन्माष्टमी करके जाऊँगी। तो इधर मैं सारे कपड़े अपने रख लेती हूँ और एकदम दिमाग काम भी नहीं करता जब पैकिंग करते हैं, ऐसा लगता है कुछ रह ना जाए कुछ रह ना जाए, क्योंकि बच्चों की कोई चीज़ रह जाए तो एकदम दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो मैं इधर वही देख रही थी, क्योंकि एक बैग और एक्स्ट्रा हो जाएगा कपड़ों को जो मम्मी ने दिलाए हैं, सारे कपड़े नए वो भी हो जाएगा, और ये पहले से ही एक बैग था। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो सारे कपड़े अच्छे से पहले इस वाले बैग में रखती हूँ, फिर दूसरा बैग करूँगी जो नए कपड़े में मार्केट से लेके आई हूँ। मायके में कब दिन निकल गई मुझे पता भी नहीं चला, एक हफ्ता कब हो गया पता भी नहीं चला, क्योंकि मायके में इतने ज़्यादा बच्चे हैं और एकदम रोड के सामने घर है, तो इतना मन लगता है मायके में, सभी लोग दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मायके में। लेकिन ससुराल भी जाना पड़ता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी नहीं रह सकते शादी होने के बाद, हर लड़की का घर अपना ससुराल ही होता है, हम लोग तो यहाँ पे बस मेहमान बन के आते हैं। तो इधर बच्चे आ गए थे पढ़ के और आज बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, तो काफ़ी टाइम हो गया। बारिश बंद होने के बाद फिर मैं निकल गई घर के लिए और सभी बच्चों से मिल ली, बच्चे स्कूल गए थे ना तो बोल के गए थे बुआ हमसे मिल के जाना, तो इस वजह से मैं फिर मॉर्निंग में नहीं गई थी, इवनिंग में ही निकली वहाँ से। तो इधर मैं आ गई ससुराल में, तो इधर मैंने चेंज कर लिया है,
और जो मैं साड़ी पहन के आई थी वो मैंने निकाल के रख दी है, क्योंकि एकदम गर्मी जैसा लगता है नए कपड़ों में, तो मैं तुरंत ही निकाल देती हूँ। और फ़ोन मेरा चार्ज नहीं है, तो अभी मैं करूँगी फ़ोन को चार्ज। और जो कपड़े मायके से आए हैं वो अभी ऐसे ही रखे हैं, उनको बाद में निकालूंगी, कल या परसों देखती हूँ, जब टाइम मिलेगा तब निकालूंगी, अभी तो टाइम नहीं है। और इधर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि अभी कुछ ऐसा काम सा नहीं लग रहा था मुझे, तो फिर आके बैठ गई थोड़ी देर के लिए। मायके से आते हैं तो एकदम मन उदास सा हो जाता है, लेकिन आना तो पड़ता ही है। तो इधर अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि बाबू ना अपने पापा जी के पास है, तो उसने अभी चेंज नहीं करवाया है, तो उसके अभी कपड़े मुझे चेंज करने हैं। फिर ये मॉर्निंग का टाइम है, तो इधर जो मैं खोआ लेके आई थी तो उसका बना लेती हूँ कतरी। तो मैं ऐसे कतरी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती हैं। जैसे मैंने चाशनी पहले ही कर ली थी दो तार वाली, फिर उसमें जो खोआ मैं लेके आई थी मायके से वो सारा डाल दिया। अब इसको थोड़ा गाढ़ा होने के लिए चला के थोड़ा गाढ़ा कर लेती हूँ, और फिर इसको मैं प्लेट में निकालूंगी। बहुत जल्दी जमती है ये, इस वजह से मैं ये थोड़ा थोड़ा गर्म थी उसमें ही ऐसे निशान लगा दूंगी, ताकि ये बर्फ़ी जैसे पीस निकल के आ जाए। जैसे मैं मेरे मायके में सभी इसको कतरी बोलते हैं, सबका अलग अलग रहता है, तो ये बर्फ़ी की बल खोआ की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे मायके में सभी कतरी ही बोलते हैं और मैं भी कतरी ही बोलती हूँ। तो इधर मैंने निशान लगा दिए और एकदम अच्छे से ये जम गई। अब इनको निकाल के दूसरे बर्तन में रख दूँगी, और एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ये मेरा दो दिन का ब्लॉग है, तो मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है ये, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सारी बर्फ़ी अच्छे से कट कर दी है, और एकदम पीस इसके बहुत अच्छे निकल के आते हैं, तो इसके अभी पीस मैं निकाल लूँगी, थोड़ा और ठंडा होने देती हूँ। अगर मैं ऐसे ही निकाल देती तो सारे पीस टूट जाते, तो जितना ये ठंडा होने के बाद निकालते हैं उतना ही इसके पीस अच्छे से निकल के आते हैं। और फिर मैंने इधर एक प्लेट में निकाल के रख दिया है, और देखिए कितना ज़्यादा बर्फ़ी बन गया है, बहुत ज़्यादा बन गया है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। राधे राधे।